धर्म और मजहब के नाम पर भले ही देश में अलग अलग विचारधाराएं हों, कभी कभी धर्म और मजहब से जुड़ी कुछ ऐसी चीजें भी सुनने को मिलती है जो नहीं होनी चाहिए। पर इंदौर के फिरोज पठान की कहानी काफी दिलचस्प और अलग है, क्योंकि फिरोज पठान भगवान शिव में अपार आस्था रखते हैं और किसी से मिलते ही जय श्री महाकाल करते हैं। यही नहीं, फिरोज अपने धार्मिक रीति रिवाजों को भी पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं। फिरोज हर दिन नमाज पढ़ते हैं और मस्जिद भी जाते हैं। इसके बावजूद फिरोज की भगवान शिव में गहरी आस्था है। फिरोज की भगवान शिव में गहरी आस्था होने के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल इंदौर के रहने वाले फिरोज पठान पेशे से एक समाज सेवी हैं, जो लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करते हैं। जिसके लिए लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करने के लिए वह मुक्ति धाम जाते हैं। भगवान शिव शमशान के भी देवता माने जाते हैं। यहीं से फिरोज की भगवान महादेव के प्रति आस्था बढ़ गई। फिरोज बताते हैं कि भगवान महादेव शमशान के देवता हैं, जो सभी को मोक्ष प्रदान करते हैं। पहले तो मैं आप सबको नमस्कार करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ, जैसे मतलब हम लोग ये सेवा कार्य करते हैं, मेरी संस्था है सुल्तान इंदौर एकता सेवा समिति। हम मतलब मेरा नाम है फिरोज पठान और सन कलीम पठान मेरे पिताजी का। मेरे पिताजी के साथ ये सेवा कार्य में लगा था मैं, तो हम लोग यहाँ पर बॉडी लेके आते थे अंतिम संस्कार में, और बॉडी लेके आना और ऐसी रहती थी बॉडी जैसे गीली मतलब सड़े गली, लकड़ी में पानी छूता था। और हम लोग अंतिम संस्कार करते और सामने भोलेनाथ जी की प्रतिमा बनी थी, तो हम उनको देखते हुए दाग देते हैं। कभी हमारे को ऐसा नहीं लगा है कि कोई दिक्कत आने वाली है उसी काम में, कभी आज तक की दिक्कत नहीं। और कई लोग समाज के लोग जुड़े हुए हमारे से इस काम में और सहयोग करते हैं। तो अभी कहीं ना कहीं भगवान भोलेनाथ में आपकी गहरी आस्था है? बिल्कुल है ना, बिल्कुल। मैं हम दरगाह भी जाते हैं, मस्जिद में नमाज भी पढ़ते हैं और यहाँ पर आते हैं, प्रतिमा सामने बनी भोलेनाथ जी की, मंदिर में दर्शन करते हैं आप, सामने प्रतिमा बनी भोलेनाथ जी की, वहीं से दर्शन कर लेते हैं। और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये चाहते हैं कि कोई लोग हमसे जुड़े इस कार्य में, आगे से आगे बढ़े, किसी सेवा कार्य करते हैं जिसका कोई नहीं, उसका आप और हमें, और ईश्वर अल्लाह एक है, रास्ते बना रखे है, जाएंगे अपन रास्ते उधर से इधर से मिलना आपको एक ही है। जैसे आप भगवान भोलेनाथ में भी आस्था रखते हैं और मस्जिद भी जाते हैं, तो कभी किसी ने आपत्ति तो नहीं की? नहीं, कोई आपत्ति नहीं, बल्कि सब इसकी प्रशंसा करते हैं। सब प्रशंसा करते हैं, उन्हें मालूम है कि आप काम ही करते हो, समाज सेवा लोग हो आप। और हम कुछ नहीं मालूम है कि हमारा सेवा करते करते कब हमारे को पता नहीं चलता कब हो गया हमारा काम। जब लेने जाते थोड़ी दिक्कत आती है, तकलीफ रहती है, कई मरता हुआ हमारे को बहुत परेशानी का सामना भी करा, बाकी किसी ने विरोध नहीं करा, इच्छा बस ये थोड़ी बहुत चलती रहती है। जब तक अच्छे काम में दिक्कत ना आए तो उसे काम कैसे कहेंगे, कार कठिन नहीं करना, जो साधारण काम तो हर कोई कर लेंगे।